पे प्रैक्टिस करना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आसान सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर जो है कमेंट करो कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्ट वाइज इसे तोड़ो और उसके बाद से आपको पता चल जाएगा कि इसमें आंसर क्या होगा। भाई कमेंट करो सभी लोग। चलो अब देख लेते हैं, जिसका आंसर नहीं आया है मैं बता दे रहा हूं कि इसे आपको कैसे काउंट करना है। देखो सिंपल सी बात है कि इस बेस पे मैंने बताया ना, देखो ये बेस है, इस वाले ट्रेंगल को लोगे, ये वाला जो ट्रेंगल है इस बेस पे आपका कितना बनेगा, तीन बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए तीन ट्रेंगल बनेगा, उसके बाद से इस बेस पे ये वाला जो ट्रेंगल लोगे तो इसके लिए तीन बनेगा, और इस वाले बेस पे जब लोगे तो इस पे भी क्या बनेगा आपका, तीन ट्रेंगल बनेगा, ठीक। तो कितने होंगे, तीन तीन छह तीन नौ, तो ट्रेंगल यही होंगे आपके, ठीक है, नौ ट्रेंगल ये हो गए लिख लिए। उसके बाद से अब ये छोटा वाला ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा, उसे मैं दूसरे कलर से ले लूं, उसमें भी सेम बेस पे आपको तीन मिलेगा। जैसे देखो ये आपका ब्लू कलर से ये वाला ट्रेंगल, इस पे भी तीन ट्रेंगल मिलेगा क्योंकि इस पे भी कट हो रहा है बेस पे, तो यहां से तीन आपका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से कहां मिलेगा, एक आपका एक तीन ये मिलेगा, ठीक। तो ये भी हो गया, तो छह हो गया, तो नौ और छह कितना हो गया, पंद्रह हो गया। तो पंद्रह आपका यहां से मिल गया है, उसके बाद से कौन कौन सा बच रहा है, पंद्रह के बाद आपका बच रहा है देखो ये सोलह होगा, यहां वाला ये सत्रह होगा कॉर्नर वाला, ये अठारह होगा, ये उन्नीस होगा, और कौन सा बच गया, उन्नीस के बाद टोटल अभी तक उन्नीस हो गए, और जो बचा है देख लो मैं ब्लू कलर से बता रहा हूं, उन्नीस हो गए अभी हमारे पास, ये देखो ये बीस, और ऐसे ही इस साइड ये इक्कीस। तो टोटल इस फिगर में कितने होंगे, 21 जो होगा हमारा ट्रेंगल होगा, नंबर ऑफ ट्रेंगल्स आपसे पूछा था कितने होंगे, तो 21 जो होगा इसका आंसर करेक्ट होगा। तो जिन लोगों के 21 आए हैं वो सही है, ठीक। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सभी को जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करना है भाई। चलो इसे मैं छोटा कर दे रहा हूं थोड़ा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो क्या होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, फिगर को तोड़ो पार्ट में, उसके बाद से बताओ क्या होगा इसका आंसर, फिर मैं बताता हूं। तोड़ लिए, चलो अब देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखो एक बीच में आपको फिगर दिख रहा है, इसकी नंबरिंग कर दो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो इसमें कितने ट्रेंगल बन जाएंगे, आठ दूनी सोलह बन जाएगा इसमें, ठीक है। इसे कलर चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, सोलह इसमें ट्रेंगल बन जाएंगे टोटल, ये आपको जो दिख रहा है। उसके बाद से आपका इसमें इस बेस पे कितने ट्रेंगल बनेंगे, तीन ट्रेंगल यहां बनेंगे और तीन ट्रेंगल इस पे बनेंगे इस वाले बेस से, ठीक है। तो छह ट्रेंगल और बनेगा, तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएंगे। उसके बाद से 22 के बाद और कौन कौन सा ट्रेंगल बनेगा वो देख लेते हैं दूसरे कलर से, कंबाइंड बनेगा। देखो एक बनेगा आपका कंबाइंड ये वाला ट्रेंगल, ठीक है, और ऐसे ही एक इससे जो बनेगा वो वाला सेम इस पे, तो दो ट्रेंगल यहां से मिलेगा आपका, और सेम उसी तरह दो ट्रेंगल आपका इस साइड से मिलेगा। देखो एक ये और एक इससे मिलेगा, तो दो ट्रेंगल यहां से मिलेगा, तो कितने होंगे, चार ट्रेंगल और मिलेंगे आपके, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इस पे चार और जोड़ लो, तो 22 चार कितना हो गया, 26। तो 26 जिसका आंसर आया होगा वो सही है, तो मतलब 26 ट्रेंगल इसमें हमें टोटल मिलेंगे, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, पहले आप बीच वाले पार्ट को नंबरिंग कर लो, इसमें से मिल जाएगा कितना हमें, 16 मिल जाएगा, फिर तीन इस बेस पे मिल जाएगा, तीन इस बेस पे क्योंकि ये जो ट्रेंगल लगा हुआ ऐसे लगा हुआ ना ऐसे, तो इसमें तीन ट्रेंगल मिलते हैं, इस साइड लगा इस साइड मिला है, तो छह हो जाएंगे ये, तो 22 हो गया। 22 के बाद एक बार इससे पूरा बनेगा तो आपका क्या होगा, एक ट्रेंगल मिलेगा, एक बार इससे मिलेगा, सिमेट्रिक फिगर है तो उस साइड भी इससे मिलेगा, तो चार ट्रेंगल हो जाएंगे, तो 22 और चार 26 हो जाएगा, तो 26 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए आपके सामने है, और आंसर इसका जो है कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, तुरंत जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें एकदम आसान, इसमें पूछा क्या, ये नहीं सब में ट्रेंगल ही निकालते जाना, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या पूछा है कि रेखाएं कितनी है, इसमें आपको बताना है कितने स्ट्रेट लाइन है, ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्ट्रेट लाइन से भी
जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने स्ट्रेट लाइन हैं इसमें, कितने स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं, तो काउंट कर लो स्ट्रेट लाइन कौन कौन से। देखो एक तो आपका सिंपल सा है, मैं बना दूं, देखो एक तो ये आपका बना हुआ है, तो चार स्ट्रेट लाइन तो इसी में हो गई, ठीक है, चार ये हो गया, एक आपका ये डायगनल गया, एक ये डायगनल गया, दो स्ट्रेट लाइन ये हो गई छह, एक आपका ऐसे आया, ठीक है, एक और जोड़ लो सात, एक आपका ऐसे गया, ठीक है, जोड़ लो आठ हो गए, अभी तक स्ट्रेट लाइन आठ हो गया। उसके बाद से क्या क्या हुआ देख लो, एक ये नौ, एक ये दस, एक ये ग्यारह, एक ये बारह, तो टोटल अभी तक चार और हो गया, तो आठ चार बारह हो गया। बारह के बाद दो लाइनें और हैं ऐसे, यहां से देखो एक ये और एक ये, तो बारह और दो कितना हो जाएगा भाई, चौदह हो जाएगा। तो इसमें स्ट्रेट लाइन कितनी है, आसान सा क्वेश्चन था, चौदह स्ट्रेट लाइने हैं, सीधी रेखाएं कितनी है इसमें, इस फिगर में चौदह है, तो जिसका आंसर चौदह आएगा करेक्ट हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये चार नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट करिए सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर कमेंट करिए जल्दी जल्दी। चलिए अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसका आंसर नहीं आया घबरा मत, मैं हूं आपके साथ, ठीक है। नंबरिंग कर लो इसमें, पहले क्या करो कि सबकी जो है नंबरिंग कर लो कि क्या क्या नंबर इसमें होगा, सिंपल सिंपल। पहले जो ट्रेंगल आपको दिख रहा है, जैसे पहला ये, दूसरा ये ट्रेंगल, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है, पांचवा ये, छठवा ये, सातवां ये, बीच में है एक आठवां, ठीक है, इसे मैंने दे दिया आठवां ट्रेंगल, तो आठ ट्रेंगल तो अभी तक हमें मिल गए हैं। उसके बाद से दूसरे कलर से ले लेते हैं तो आपको पता चलेगा आठ ट्रेंगल हो गए। अब ये देखो ये पूरा नौ ट्रेंगल हो गया अभी तक हमारे पास, नौ के बाद ये वाला पूरा, एक और दो को मिला लेंगे तो दस हो गया, एक और प्लस कर दो भाई। उसके बाद से एक और ट्रेंगल मिलेगा, उसे मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूं, देख लो ये पूरा आपका ये वाला ट्रेंगल जो है आपका एक ट्रेंगल हो जाएगा, तो 10 और एक कर दोगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो आसान सा था कुछ नहीं, पहले सिंपल सिंपल जितना दिख रहा है उसे काउंट कर लो, उसके बाद से एक ये बड़ा वाला मिलेगा आपको, और एक और दो का कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक और तीन और दो का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है, तो दो ट्रेंगल और मिल जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 11 ट्रेंगल हो जाएंगे आपके पास। वही पूछा था, आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो जिसके 11 आए हैं वो एकदम करेक्ट हो। चलो आगे बढ़ जाते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है भाई, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो जल्दी से, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके, ये कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है एग्जाम में, आसान सा क्वेश्चन एकदम एकदम, एक फंडा मैंने जो बताया था उसी पे है ये, जिसको पता होगा तुरंत, मतलब उसे पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, वो तुरंत देख लेगा, अच्छा आठ इधर बनेगा, आठ इधर 16, एक 17, एक 18, यही होगा आंसर। देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल देखा आपके पास, मैंने कुछ बताया था आपको कि जब भी आपके सामने ऐसा कुछ फिगर आ जाए कि ये वाला बेस आ जाए आपके पास, कि यहां से एक कोई गया है, इस वर्टेक्स से इस बेस पे गई है लाइन, फिर इस वर्टेक्स से इस बेस पे गई है लाइन, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको यही तो बताया था, अगर ऐसा कुछ हो तो क्या होता है, दो का क्यूब हो जाता है, आठ ट्रेंगल मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो आठ ट्रेंगल कैसे मिलते हैं, क्योंकि यहां का दो पार्ट में डिवाइड करता है, इस बेस को भी ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो बेस को जितने पार्ट में डिवाइड करे उसका क्यूब कर देना है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास ट्रेंगल, आठ हो जाएगा। तो अगर हमारे इस पार्ट में आठ मिले, मैंने आपको बताया इस पार्ट में आठ ट्रेंगल हो जाएंगे, वैसे आधा सेम ऐसे ही है, एक ट्रेंगल ये है, एक ट्रेंगल ये है, उसी का डबल है, सिमेट्रिक फिगर है, तो आठ यहां 16 ट्रेंगल मिल गए। 16 के बाद आपका जो एक बनेगा आपका वो देख लेते हैं, ये कौन सा बन जाएगा, एक 17, ये पूरा बड़ा बन जाएगा ट्रेंगल, ये 17 नंबर ट्रेंगल हो गया, और एक कौन सा बन जाएगा आपका, एक बन जाएगा आपका ये 18, ठीक है, ये पूरा, तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे भाई, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 18, ए जो होगा सही होगा, तो जिसका जिसका ए आया करेक्ट हो, क्योंकि जिस तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, जैसे इसे देखो कि 8 10 8 16, एक ये 17, एक ये 18, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, तब आगे इस वाले क्वेश्चन में आपको अब क्या करना है, स्क्वायर भी बताना है और ट्रेंगल भी बताना है, तो पहले स्क्वायर देख लो, क्योंकि आसान सा है, आपका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा यहां से नेग्लेक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कुछ ऐसे, तो देख लेते हैं पहले स्क्वायर कितने होंगे।
पहला आपके सामने जो फिगर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? पहला फिगर आपको बन रहा है कुछ ऐसा, ये वाला देखो। इसमें जानते हो स्क्वायर निकालना कितने होते हैं? जब भी प्लस साइन होता है तो मैंने बताया स्क्वायर कितना होता है भाई, 5 स्क्वायर होता है इसमें। तो 5 स्क्वायर यहां हो गया, एक यहां ऊपर लगा हुआ है, तो 6, एक यहां ऐसे बन रहा है, तो 7, 7 तो स्क्वायर हो जाएंगे इसमें टोटल। हमने निकाल लिया 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर वाले कितने ऑप्शन है? ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये और ये, ए और डी में ऑप्शन होना चाहिए। देख लेते हैं, अब ट्रायंगल हमें निकालना ही पड़ेगा क्योंकि 2 ऑप्शन फंस गए। अगर नहीं फंसते तो हम सिंपल मार देते हैं एक को देख के। तो अब ट्रायंगल निकालना है, तो ट्रायंगल निकालने के लिए बस वो फंडा आपको याद होना चाहिए कि एक बेस पे अगर लाइन आ रहा है तो कितना बनेगा। अब इस ट्रायंगल को देखें, हम बड़े वाले को ब्लू कलर से ले लें। सबसे बड़े वाले ट्रायंगल को मैं दिखा रहा हूं आपको, ये ब्लू कलर से जो है, तो इसमें इस बेस पे ये लाइन आ रही है ऐसे, तो कितने ट्रायंगल बन जाएंगे इस पे? 3 ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, 3 ट्रायंगल यहां बन जाएगा इससे। उसके बाद से आपका अगला कौन सा होगा वो देख लेते हैं। इस पे 3 बना, उसके बाद से इस वाले पे भी, तो देखो इस वाले बेस पे, इस वाले बेस पे भी तो 3 बनेगा, इस पे भी 3 बनेगा, तो ये भी देख लेते हैं भैया, ये 3 हो जाएगा, यहां से 3 हो जाएगा। उसके बाद से आपका क्या होगा? उसके बाद से इस पे देख लेते हैं, यहां से भी हमारा 3 बनेगा, ये रेड वाला देखो ऊपर जो है इस वाले बेस पे, तो यहां से भी 3 मिलेगा, तो 3, 3, 6, 3, 9, तो टोटल हमारे पास कितना बना? 9 ट्रायंगल बन गए अभी तक। 3 यहां से मिला, 3 इससे मिला, 3 इससे मिला, तो 3, 3, 6, 3, 9 मिला। उसके बाद से आपका जो ये बीच में है ना, यहां आ जाओ, यहां जो ये आपके बीच में है ये, और इसमें क्या ऐसे बना है, तो इसमें कैसे ट्रायंगल होगा? 1, 2, 3, 4, 4 का डबल होगा 8, तो 8 ट्रायंगल तो ये होगा, 9, 8 कितना हो जाएगा? 17, तो 17 ट्रायंगल हो गया, क्योंकि ये बीच वाला आपका कितना ट्रायंगल देगा? 8 ट्रायंगल देगा टोटल, ठीक है। तो 17 ट्रायंगल पे हम लोग आ चुके हैं। 17 के बाद अब कौन कौन सा बच रहा है आपका, वो नंबरिंग कर दो। 17 के बाद जो आपका बच रहा है, देखो ये वाला ट्रायंगल बचेगा एक 18, ये इधर वाला बचेगा 19, उसी तरह ये वाला बचेगा आपका क्या 20, इधर जो है आपका 21। उसके बाद 21 हो गया, अब कोई और ट्रायंगल बच रहा हो आपसे काउंट करने में? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इधर ट्रायंगल आपका बन ही नहीं रहा, इधर ना कंफ्यूज हो जाना कि सर ये भी कोई ट्रायंगल बन रहा है। जैसे यहां पे देखो ये टच नहीं हुआ है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज ना होना कि यहां ट्रायंगल कोई बन रहा है, ठीक। तो टोटल कितने ट्रायंगल मिले हमें? 21 ट्रायंगल मिले, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 21 जो होगा वो सही हो जाएगा, 21 ट्रायंगल हमारा जो हो जाएगा वो सही है, 21 ट्रायंगल और 7 स्क्वायर ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, पहले इसमें स्क्वायर गिन लो, 7 आ गया। 7 गिनने के बाद देखो इस बेस पे 3 मिलेगा आपका, उसके बाद से इस बेस पे 3 मिलेगा, 6 इस बेस पे 3 मिल जाएगा, 9 हो गया। उसके बाद से जो बच रहा है आपका ये वाला अंदर जो स्क्वायर बना है उसमें ये वाला, इससे 8 मिलेगा, तो 17 हो गया। उसके बाद ये वाला कोने वाला 18, इधर वाला 19, इधर वाला 20 और ये वाला 21, टोटल 21 ट्रायंगल हो गए। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, सभी लोग इसका आंसर दो जल्दी से जल्दी। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर जल्दी बताइए भाई। चलिए अब मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। आपको क्या करना है, इसको सिर्फ काउंट करना है नंबर डाल के कि इसमें कितने नंबर से बन रहा है। देखो नंबरिंग कर देते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अभी तक कितना ट्रायंगल दिखा आपको? 1, 2, ये तीसरा ट्रायंगल है, चौथा ट्रायंगल है, पांचवा ट्रायंगल है, छठवां ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल तो हमें दिख रहा है साफ साफ। 6 के बाद क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। 6 के बाद हमें कुछ कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, जैसे आपका 6 के बाद आपका मैं बता दूं, इसका ये कॉम्बिनेशन जो ब्लू कलर से, 1 7 हो जाएगा, उसी तरह जब इधर है तो इधर भी होगा, ठीक है, तो 8 हो जाएगा। तो कितने हो गए अभी तक हमारे पास ट्रायंगल? 8 ट्रायंगल हो चुके हैं, ठीक है, 8 हो चुके हैं। अब दूसरे कलर से ले लेते हैं, देखो अब उसी तरह उस साइड बेस पे हो जाएगा आपका 1, 9 से इसी तरह इधर,
10, ठीक है, तो 8 प्लस 2 और कर लो, टोटल कितने ट्रेंगल मिल गए हैं अभी तक हमें, 10 मिल चुके हैं। 10 के बाद आपके पास दो ट्रेंगल बड़े वाले, दो आपके बड़े वाले ट्रेंगल, ठीक है, दो आपका ये बड़ा वाला ट्रेंगल 11, और इस साइड से आपका ये इस साइड से एक 12, ठीक, तो कितने हो गए, दो बड़े वाले हो गए, तो 12 हो गया, तो 12 ट्रेंगल आपके मिले इसमें, क्योंकि 6 तो हमें नंबरिंग कर दिया, 6 के बाद देखो 4 और 5 को मिला के एक ट्रेंगल बनेगा, तो 4 5 को मिला के एक ट्रेंगल मिलेगा, तो इधर 1 और 6 को मिला के एक ट्रेंगल मिलेगा, ठीक, तो आपके 6 हुए थे, उसके बाद 6 के बाद 7 एक 8 ही हो गया, उसी तरह उधर वाले में मिलेगा, किसको किसको मिला के, 3 और 4 को मिलाकर, फिर 2 और 1 को मिलाकर, तो 4 ट्रेंगल यहां से आ गए, ठीक है, तो 12 हो गए आपके, 2 यहां से आया और 2 ट्रेंगल यहां से आया, तो 6 2 8 2 10 हो गया, और 2 बड़े वाला ट्रेंगल हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 12 ट्रेंगल हो गया, आराम से काउंट कर सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो जल्दी से, जब नहीं आएगा तो घबराना मत, मैं हूं आपको आंसर बताऊंगा कैसे निकालना, एक बार नहीं दो बार बताऊंगा, ठीक है, चलो कमेंट कर दो सभी लोग, अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सब में त्रिभुज ही ना निकालने लगा, इसमें पूछा है कितने स्क्वायर होंगे, वर्ग कितने होंगे, ठीक है, वर्ग आपको निकालना है, तो फिगर कैसा है आपके सामने वो देख लेते हैं, उसके बाद से हम देखो फिगर आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है, ये इधर आपके पास कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, और रो कितनी है, 1 और 2 रो है, तो आपका जब रो और कॉलम बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो मैंने आपको बताया था स्क्वायर निकालने के लिए, आपको यहां से मल्टीप्लाई करना है 3 और 2 का, देखो जो सबसे बड़ा होगा रो या कॉलम में जाएंगे, सबसे बड़ा जो होगा उसे पहले लिख लेंगे 3, उसके बाद से 2, अब इसमें से एक माइनस कर देंगे तो 2 और 1, ठीक, तो इसे करोगे तो 6 आएगा, इसे करोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद जैसे करोगे तो यहां यहां 0 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, तो 6 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक, तो इसमें आपका जो स्क्वायर आएगा, इसमें बोलोगे नंबर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 8 होगा, ठीक, उसके बाद से अगर आपको इसमें और स्क्वायर काउंट करना है तो उस स्क्वायर को अब देखो इसमें बढ़ाते हैं हम, ये हो गया, उसके बाद से ये कंबाइन हुआ, ये हुआ और ये हुआ, एक स्क्वायर यहां मिला, ठीक है, वही तो अंदर है स्क्वायर, 8 अभी तक हमें मिल चुका था, उसके बाद से एक स्क्वायर और मिला इसमें, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 9 हो गया, तो काउंट करके लिखते रहना, 9 स्क्वायर हो गया है अभी तक। उसी तरह एक और ऐसे ही मिला हुआ है, देखो ये 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 और ये, ठीक, एक और बढ़ा लिए हम, कितना हो गया भाई, 10 स्क्वायर हो गया। उसके बाद इस 10 के बाद टोटल तो आपने काउंट कर लिया, उसके बाद से उसके अंदर भी तो बन रहे हैं स्क्वायर, वो कैसे बन रहे हैं, क्योंकि यहां से देखो डायगोनल खींचा गया, ऐसे ऐसे इसे मिलाया गया है, ठीक है, ये आपका यहां मिल गया, ऐसे ये इससे मिलाया गया है, तो जब इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 इधर बनेंगे और 3 इधर बनेंगे, मतलब 4 इसके होंगे और 1 तो सब में दोनों में कॉमन होगा, एक स्क्वायर आपका मैं जो कलर से कर दे रहा हूं, ये ब्लू वाला, देखो ये ब्लू वाला स्क्वायर इस वाले में भी काउंट होगा और इस वाले में भी काउंट होगा, तो इसको सिंगल एक बार काउंट करेंगे, तो हमें इसमें तो देखो मिलेगा कौन कौन सा, इसमें जो मिलेगा इसे कंबाइन कर दें तो हमें इसमें मिलेगा एक ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, सभी को अलग अलग से मैं कलर कर दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए, एक आपका ये, उसके बाद से आपका एक रेड ले लें, ठीक है, 2 और एक ब्लैक से कर दें आपका ये, 3, 4 मिलेंगे टोटल, 1 2 3 4, तो इसमें कितना, 4 हो गया, इस वाले में कितने मिल जाएंगे, एक ये, ठीक, इसमें कितना मिलेगा, 3 ही तो मिलेगा, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है स्क्वायर बनने में, आपका ये यहां से कंबाइन होगा, अब स्क्वायर आएगा, तो एक ये 2 और ये 3, ठीक है, तो 3 ये हो गए और यहां से आपके कितने हुए, 4 हो गए, तो आपको कितना मिल गया, 4 ये और 3 7,
ठीक है, तो 17 हो गए। अब इसमें काउंट कैसे करना था एक बार और समझ लो। देखो सिंपल सा है, पहले आपने क्या किया 3/2 का लिया, उसमें काउंट किए तो कितना आया 8 स्क्वायर आया। उसके बाद से अंदर आपका ये बना हुआ है तो एक 9, एक ऐसे इधर बना हुआ है 10। उसके बाद से उसमें क्या हुआ है आपका एक कॉमन है आपका स्क्वायर, देख लो ये वाला इसमें कॉमन है, ठीक है। तो 10 के बाद आपका 11 ये हो गया, 12 ये, 13 ये, 14 ये, 15 ये, 16 ये और 17 ये, तो टोटल 17 है, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करना जल्दी से जल्दी। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब चलिए जिसका नहीं आया है आंसर, अब मैं बताता हूं, देखते रहिए आप लोग, घबराइए मत। अब इसमें बोला आपसे त्रिभुज निकालना है, जूम कर दे रहा हूं मैं क्वेश्चन को, आसान सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था इस टाइप का अगर फिगर आपके सामने आता है तो आपको क्या करना है, ये वाला फिगर, इसमें कितने होते हैं ट्रेंगल, इसमें 8 होते हैं, सिंपल सा इसमें नंबरिंग कर दो, इसका डबल कर दो तो कितने हो जाएंगे ट्रेंगल, 8 होंगे। तो वही आपको करना, 8 ट्रेंगल यहां से मिलेगा, 8 यहां से मिल जाएगा, सेम चीज 16 हो जाएगा आपका। उसके बाद से दो नोड पे मिलेगा हमारे, दो इस नोड पे मिलेगा, इस वाले नोड पे मिलेगा आपको, ठीक है, ये वाला पूरा, ये दूसरे कलर से कर दे रहा हूं आपको ताकि पता चल जाए कि दो, 8 8 16 तो आप लोग आसानी से निकाल लेंगे, बाकी जो दो हैं जो हिडन ट्रायंगल जिसे बोलते हैं आप, ये लो ये और ये वाला, तो 18 तो इसमें हो जाएगा, सभी लोग जानते हो 18 के बाद ये ट्रायंगल इधर माउंट है, ठीक है, ट्रायंगल इधर माउंट है, तो जब ट्रायंगल इधर माउंट है इस वाले बेस पे और ऐसे है तो 3 ट्रायंगल यहां से मिलेगा, तो बस हमें लिख लेना है 3 और मिलेगा, तो आपका कितना हुआ था 18 हुआ था, 18 प्लस 3 21, ठीक है 21 हो गया, 21 और 3 इस साइड से भी मिलेगा, इधर से भी अगर ट्रायंगल में माउंट करूं तो इधर से भी 3 मिलेगा, इस साइड से भी मुझे 3 ट्रायंगल मिलेगा, तो 21 और 3 कितना हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा। उसके बाद से और कोई ट्रायंगल मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा, वो देख लेते हैं हिडन क्या। 24 के बाद देखो एक ये 25, उसी तरह सिमेट्री इधर 26, उसी तरह इधर 27 और एक ये 28, तो 4 और जोड़ दो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे 28 ट्रायंगल मिल जाएंगे, ठीक है, आसान सा है। जब भी आपके पास ये वाला फिगर आए एक बार और देख लो, क्विक रिविजन के तौर पे कि जब भी आपके सामने ऐसा कुछ फिगर आए इस टाइप का फिगर आता है तो आप जानते हो इसमें कितने बनते हैं भाई 18 बनते हैं, 8 8 16 और दो नोड पे बनेंगे तो 18, बाकी इसमें 3 ऐसे ट्रेंगल गया तो 3 और 3 6 8 6 14 मतलब 24 हो गया, इधर से ये 25, इधर से ये 26, उसी का डबल कर दो, दो और मिल जाएंगे 26 2 28, तो 28 ट्रेंगल इसमें होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करना, अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, एसएससी ने इसे 3 बार एग्जाम में रिपीट किया क्वेश्चन को, तो ये मैं बोलता हूं कि आप लोग रिपीटेड क्वेश्चन देख लेना क्योंकि जो भी आपके सामने आएगा वो कहीं ना कहीं रिपीटेड ही होगा किसी ना किसी एग्जाम का, ठीक है, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर कमेंट करो सभी लोग। चलिए अब जिसका नहीं आया आंसर वो देख लो कि क्या होगा इसका आंसर, सिंपल सा वही फंडा है, ट्रायंगल और कैसे काउंट करना, अलग अलग देखो मैं दिखा दूं तो इसमें सभी अलग अलग ट्रायंगल बने हुए हैं, अलग अलग कलर से मैं दिखा दे रहा हूं आपको, चलिए रेड से मैं दिखा दूं, एक ये है बना है तो दोनों जान जाओगे इसमें कितने ट्रायंगल मिल जाएंगे 3, इसमें कितने ट्रायंगल मिल जाएंगे 3, वैसे इधर एक ट्रायंगल बना है इसमें कितने ट्रायंगल मिल जाएंगे 3 भाई, तो 3 3 6 9 ट्रायंगल तो ऐसे हमें मिल गया, 9 ट्रायंगल मिल गया। उसके बाद से आपको मैं एक स्क्वायर दिखा दे रहा हूं, ब्लू कलर से देख लो, ये देखो ये ब्लू कलर से एक स्क्वायर है, यहां भी है ऐसे और ऐसे, इसमें क्रॉस दोनों डायगोनल गए हैं इस सभी के, ठीक है, तो भैया इसमें कितना मिलेगा, इसकी नंबरिंग कर दो 3 4 4 का डबल 8 8 8 16 इधर मिल जाएगा, ठीक है, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक, तो 25 हमारे पास अभी तक आ गए हैं। अब क्या होगा कि कंबाइन वाला ढूंढना पड़ेगा, वो कंबाइन वाला देख लेते हैं दूसरे कलर से,
हमारे पास अभी तक 25 आ गए हैं, कंबाइन कौन कौन सा होगा वो देख लेते हैं। देखो एक रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन होगा ये वाला ट्रेंगल, ठीक है, ये ट्रेंगल उसी तरह इस साइड में मिलेगा, क्योंकि फिगर क्या है आपका सिमेट्रिक, जब एक साइड मिलेगा तो अगले साइड भी सेम मिलेगा आपका फिगर। तो 25 तक आ गए थे भैया, दो और जोड़ दो 27 हो गया। उसके बाद भी कोई सिमेट्रिक फिगर मिलेगा क्या आपका, मिलेगा ट्रेंगल? हाँ मिलेगा, एक और मिलेगा। अब उसे किस कलर से करें, ग्रीन कलर से कर दें गाढ़ा, और चलो इसमें एक और मिलेगा आपका, देखो ये वाला ट्रेंगल, ये और सेम इस साइड जब आओगे तो ये, ठीक उसी बेस पे एक इस साइड और एक इस साइड, तो दो और मिल जाएगा, तो 27 और दो कितना हो जाएगा भाई, 27 और दो 29, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 29 जो होगा सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना, 3 यहां, 3 6, 3 9 और 8 8 16, 25 हो गया। 25 के बाद एक इधर पूरा बड़ा वाला 26, एक इधर 27 और इस बेस पे एक 28 और एक 29, तो 29 ट्रेंगल होंगे। तो ये आपके आज के 10 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं जैकपॉट पे, ये आपका आज का जैकपॉट क्वेश्चन है, सभी लोगों को इसका आंसर जो है कमेंट में करना है। कुछ ही लोग कमेंट सिर्फ करते हो आंसर, बाकी लोग तो ऐसा लगता है साफ सुन गया आता ही ना हो, इतना पढ़ाने के बाद भी ना आया तो कभी नहीं आएगा, इतना जान लेना, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट करना। अब बढ़ जाते हैं हम आगे कि आपका जो प्रीवियस था जैकपॉट उसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा था क्वेश्चन था, उसमें भी दो दो बार लोग कमेंट कर रहे हैं, एक बोल रहे हैं 16 होगा, फिर दूसरी बार फिर बोल रहे हैं 20 होगा। इतना आसान सा क्वेश्चन उसमें भी चार बार कमेंट करने की क्या जरूरत है, देखे नहीं तुरंत आंसर आ जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का। इस छोटे से क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट करोगे तो पूरी रीजनिंग तो बहुत लेंदी बनता है भाई पेपर, तब तो पूरा पूरा समय रीजनिंग में ही लेके चले जाओगे। अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक फिगर आपका सामने अंदर ऐसे बना हुआ है देखो, और मैंने इस पे पहले ही बना दिया उसी समय उस सेशन क्वेश्चन सेशन में मैंने बता दिया था कि इस वाले फिगर में जब भी ऐसा बने तो कितने ट्रेंगल बनते हैं, पहला ही क्वेश्चन था कितने बनते हैं, 16 ट्रेंगल बनते हैं, ठीक है। तो 16 तो यहां से बन गया, अब 16 में ये बड़ा वाला भी काउंट है आपका, जो अंदर वाला है मेन वो भी आपका ये वाला काउंट है फिगर 16 में, तो 16 ये हो गया आपका, ये 17, ये 18, ये 19 और एक ये पूरा बड़ा वाला आपका कितना हो जाएगा 20। तो आंसर क्या आएगा इसका भाई, 20 आएगा। और उस पर भी कई लोग 16 बोल रहे थे, कई लोग 18 बोल रहे थे, कुछ कोई कुछ बोल रहा था, तो इसका आंसर जितने लोगों ने 20 दिया है सही है, काफी लोगों ने 20 दिया था, तो इसका आंसर क्या होगा आपका प्रीवियस जैकपॉट का 20 होगा। तो ये आपका पूरा काउंटिंग फिगर करा है, अगला सेशन भी एक और काउंटिंग फिगर का लूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अभी बच गए हैं आपके, ठीक है, छोटा छोटा सेशन करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो वो जितना क्वेश्चन है कम से कम ये रट जाए, ठीक। तो एक सेशन और होगा उसके बाद से हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, तो सब लोग इस पर प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।